नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस हफ्ते हमारे खास मेहमान हैं, कथक का जाना माना नाम है धीरेंद्र तिवारी जी। और न सिर्फ एक कलाकार के तौर पर बल्कि युवा गुरु के तौर पर भी इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। करेंगे इन सारे पहलुओं पर बातचीत, लेकिन सबसे पहले धीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, बहुत बहुत आपको आभार, बहुत बहुत धन्यवाद रागगिरी को, शिवेंद्र सर आपको, कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत मन से आभार। और पहला प्रश्न तो जो बहुत ही सामान्य सी जिज्ञासा भी है कि आपका सफर जब शुरुआत हुई तो क्या कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, या फिर खुद ब खुद लगा कि नहीं, ये आर्ट फॉर्म कहीं कुछ ऐसा ईश्वर ने दिया है जिसको आगे जाके कंटिन्यू करना है। हालांकि ये पहचानने के लिए आपके पेरेंट्स रहे होंगे, लेकिन कुल मिला जुला के शुरुआत हुई कैसे थी? आपने प्रश्न का दूसरा उत्तर दे ही दिया है। पारिवारिक पृष्ठभूमि तो नहीं थी, एकेडमिक्स वाला हिसाब किताब था यहाँ घर में। और दूसरी चीज की घर में ऐसा भी नहीं था, एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में यदि आप जन्मे होते हैं तो वहाँ ऐसी चीजों के लिए, ऐसी बातों के लिए एक वो स्कोप नहीं होता है। लेकिन ये जरूर था कि कहीं ना कहीं मुझे शायद मैं भी ना पहचानता अपनी इस कला की, जो अंदर ईश्वर ने जो एक गॉड गिफ्टेड कॉलिंग जिसे कहते हैं, वो मैं नहीं पहचान सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपने आप रास्ते बनाता गया और मैं खुद को पहचानता गया कि मैं यही कर सकता हूँ। और विद्यार्थी जीवन में मैं ठीक ठाक था, कभी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट जैसे होते हैं वैसा कभी भी नहीं था कि मैं कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास करूंगा या कुछ करूंगा, ऐसा कभी था नहीं। पर हालांकि मेरे विद्या विद्या जीवन में भी, उसमें भी, एकेडमिक्स में भी गुरु और टीचर बहुत अच्छे अच्छे मिले, जिनकी वजह से मैं यहाँ अभी कुछ भी समझ या बोल सकता हूँ। पर ये पूरी तरह से गॉड गिफ्टेड कॉलिंग थी और ईश्वर ने शायद वो क्षमता भी दी कि मैं इसे समझ पाया। वो जिसके लिए आप बने होते हैं वो आपको चुन लेता है और आप अपने आप चले जाते हैं। ये मेरा पूरा, इस बात को अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं तो पूरा यकीन है इस बारे में मुझे। बिल्कुल, और कुछ चीजें तो हमें नियति पर भी छोड़नी ही पड़ती हैं, क्योंकि आप, मैंने बहुत सारी ऐसे लोगों से बातचीत होती है जो बताते हैं कि मैंने ये तय कर लिया था, मैंने वो तय कर लिया था, लेकिन सच में तो सब, अगर आप बॉटम लाइन देखें तो कोई और ही तय कर रहा होता है। हम सब तो सिर्फ आप उन कर्म से उसे फलीभूत कर सकेंगे कि आप अपने छोटे छोटे कर्म से उसे ठीक ठाक करने की कोशिश कर सकते हैं, आप उसमें चल सकते हैं, लेकिन नियति अपनी जगह, पूरी तरह से अपनी जगह। और मेरे केस में बिल्कुल, मेरे जितने भी पुराने अनुभव हैं उसमें बिल्कुल अक्षरशः ये बात, नियति जिसे कहते हैं, नियति आगे जो नियत है पूरा, वो वैसे नियत रहा है बिल्कुल। और अपने हाथ में यही होता है कि आपको जो
हुनर या काबिलियत देकर ईश्वर ने भेजा है, आप उसके साथ न्याय कर पाए, आप उसको पूरी मेहनत से पूरी पूरे समर्पण से कर सकें, इस पहलू पर हम बातचीत करेंगे आगे धीरेन्द्र जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि ठीक है, ये तो था कि एक एक टैलेंट या एक हुनर ईश्वर ने दिया था, लेकिन उस हुनर को पहचानना, फिर डांस सीखेगा बच्चा घर में, किस उम्र में ये सब कुछ शुरू हुआ, और कोई ना कोई घटना जरूर ऐसी रही होगी जिसके बाद ये लगा होगा कि नहीं, इसको सिखाना चाहिए, वरना डांस तो हम सभी अपने घर में करते हैं, वो घटना क्या थी? मुझे नहीं लगता उनको किसी घटना से फर्क पड़ा कि मुझे सिखाना चाहिए, पर मुझे जरूर लगा था कि मुझे सीखना चाहिए। मेरी एक गुरु जी की वरिष्ठ शिष्या भी है और मेरी फेवरेट डांसर भी आप कह सकते हो ना, स्वाति सिन्हा दीदी। उनको यहाँ आगरा में एक लल्लू सिंह मास्टर जयंती होती है, उसमें उनका परफॉर्मेंस था, तो उनका उनकी मंच पे ऐसी प्रस्तुति मैंने देखा, यार ये तो क्या महिला ऐसे नाच रही है कि मतलब बहुत यंग थी उस समय वो भी, कि पुरुष क्या नाचेंगे इतनी तैयारी के साथ, वाह। तो मेरा दिमाग घूम गया, मैंने कहा ये किस तरह का डांस है, कौन सा डांस है, क्योंकि हम बहुत ही एक कहते प्रचुर मात्रा में एक डांस था जो उतना ही प्रचुर था वहाँ, उसके ऊपर सोचने की हमारी क्षमता भी नहीं थी। तो वहाँ मुझे जाने के मुझे लगा कि मुझे यहाँ से कथा केंद्र जाना चाहिए, और जब उनका ब्रोशर वगैरह देखा, गुरुजी का नाम देखा, तब मुझे ऐसा लगा मुझे वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि मैं उससे पहले आगरा में सीख रहा था, और तब भी मेरे गुरु, दोनों गुरु बहुत बहुत ही बेहतरीन थे, मैं उनको ये कहूँगा, क्योंकि पहला वो कदम अगर सही है तो बाकी सारे सही बैठते हैं। आगरा में मैं तापोश गिरी गुरु जी से, और मेरे प्यारे गुरु जी हैं रुचि शर्मा जी, उनसे मेरी तालीम चल रही थी, उन्होंने उनसे फिर विचार विमर्श हुआ, उन्होंने भी देखा पर परफॉर्मेंस, फिर धीरे धीरे दिल्ली की ओर मेरा, मैंने गुरु जी को एक पत्र भेजा, वहां से उत्तर आया, उत्तर के बाद मैं दिल्ली फिर चला गया, मुझे लगा जाना चाहिए। हालांकि घर से अगर आप कहें कि उन्हें कब लगा कि भेजना चाहिए, उन्हें कभी नहीं लगा, मुझे जरूर लगा था जाना चाहिए और मैं चला गया। आपने अभी अपने दो बिल्कुल शुरुआती गुरुओं का जिक्र किया, रुचि जी का और तापोश जी का, और मैं फिर अपने सवाल को तीसरी बार एक तरीके से नए तरीके से पूछ रहा हूँ कि इनके पास पहुंचना कैसे हुआ? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा कभी किसी जमाने में बॉलीवुड वेस्टर्न टाइप डांसर हुआ करता था तो कुछ ऐसे कार्यक्रम होते थे जहाँ लोक परंपराओं से या शास्त्रीय परंपराओं से मिलकर कार्यक्रम हो, तब उन कार्यक्रमों में ले जाने के लिए मुझे यहाँ एक ग्रुप थे श्री पुरुषोत्तम मयूरा जी, वो लेके गए कि आप इनसे थोड़ा थोड़ा तालीम ले लो, ताकि उन उस तरह के प्रोग्रामों में हम आपको ले सके। मैं बस इस तरह से जाना जाना आना शुरू हुआ था, लेकिन वो एक एडिक्शन के तौर पे, खूबसूरत एडिक्शन होता है शास्त्रीय कला, आप समझते होंगे, तो वो इतनी खूबसूरत आदत थी कि वो लग गई वहां से। अब उसी में वो दिन रात सोचना शुरू हुआ, फिर एक कार्यक्रम हुआ करता था यहाँ पास में ही, एक यूपी टूरिज्म का कार्यक्रम था, उस टूरिज्म के कार्यक्रम में ताजमहल के पार्श्व में जाकर हम लोग को नृत्य प्रस्तुति देनी होती थी, तो वहां मैं तापोश भैया से मिला, और रुचि दीदी, तापस भैया, ये लोग सब आसपास की उम्र के थे और इनका एक अच्छा तालमेल भी था शुरू से। तो वहां जाने के बाद मैं उनसे मिला, उनकी क्लास में भी जाने लगा, उनसे दोस्ती भी रही है, उनसे मेरे गुरु के नाते भी रहे, उन्होंने भी सिखाना शुरू किया, तो इस तरह से मेरे दोनों से मुलाकात हुई और ये खूबसूरत एडिक्शन लगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि शास्त्रीय संगीत में अगर आप एक बार बस जो सारी देर है वो उस इंटरेस्ट के डेवलप होने भर की है, वो इंटरेस्ट अगर एक बार डेवलप हो गया तो फिर वो नशा ही है। मतलब आप अगर सुनते जाएं और अच्छा देखते जाएं फिर उसमें, मतलब मेरे तो मेरे परिवार में भी कोई बैकग्राउंड नहीं है म्यूजिक का और ना ही मैंने कुछ सीखा है, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत से 7-8 साल से लगातार जुड़े हुए हैं तो उसकी वजह यही है कि आज भी सुबह अगर कोई एक अच्छी बंदिश सुन ले या कोई अच्छा भजन सुन ले या कोई नृत्य देख ले, दिन में किसी वक्त तो लगता है यार और देख लेते हैं थोड़ा, चलो एक और वीडियो देख लेते हैं, तो लालच आने लगता है। अब जी एक प्रश्न मेरा और आपसे है, और वो प्रश्न ये कि ये सच है कि मतलब कथक ही नहीं, अगर आप कथक के इतर भी बात करेंगे, अन्य शास्त्रीय नृत्यों की भी, तो बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं ऐसे जो पुरुष रहे हैं। महाराज जी तो कथक का पर्याय रहे, बिरजू महाराज जी, और हम सब जानते हैं पुरुष ही हैं वो भी, थे बल्कि कहना चाहिए।
लेकिन क्या कभी ये भी अड़चन रही कि लड़का होके डांस सीखोगे, मतलब ये क्या कोई कुछ भी और सीख लो, क्या कभी इस तरह का विरोध भी देखना पड़ा घर में? जी बिल्कुल ऐसा है। और मैंने पहले ही एक शब्द कहा था, रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से था मैं, तो जहाँ रूढ़िवादिता है, मतलब रूढ़ि ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना लड़कियों का जरूरी है तो हम रूढ़ि तोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाना लिखाना भी ब्राह्मणत्व के अंदर में आता है, वो भी एक रूढ़ि है। तो ऐसे परिवार में यदि आप जन्म लेते हैं तो एक पुरुष का घुरु बांध कर नाचना बड़ा उनको दिक्कत तो होती है। तो ये दिक्कत थी और विरोध था, मेरे पिताजी की ओर से ही था, बाकी के मेरे भाइयों की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से तो कभी नहीं था। तो वो अपना नहीं सके कभी मुझे उस तरह से। तो लेकिन जब अंत समय से पहले, कुछ समय पहले तक उनको महसूस हो गया था कि ये ईश्वर की चाह थी और ये और कुछ नहीं करेगा और इसका समय इसी में जाना है, तो उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया था, अपनाया नहीं कहूंगा, उन्होंने स्वीकार कर लिया था इसको। लेकिन मेरे घर की ओर से थोड़े मेरी माँ बिल्कुल रूढ़िवादी इस मामले में नहीं है, समय के साथ अपने आप को परिवर्तित बड़े आराम से कर लेती है। मेरे भाई वगैरह ने किया क्योंकि वो कहीं ना कहीं पिता के अंश के थे, लेकिन उन्होंने समझा उसको और उन्होंने धीरे धीरे किया। जब आप जब अपना काम ढूंढ लेते हैं, आप अपना काम करने लगते हैं और उसको एक एक व्यवसाय बना लेते हैं, प्रोफेशन भी बन जाता है, और आप ठीक ठाक अपने जीवन यापन करने लगते हैं, तो उनको महसूस हो जाता है कि ये कला से भी जीवन यापन हो सकता है, इसीलिए वो स्वीकार कहीं ना कहीं तक कर लेते हैं उसको, अपनाए या ना अपनाए एक अलग बात है। अच्छा धीरेन्द्र, हर हर व्यक्ति के पिता से अपनी स्मृतियां होती हैं, और मैं इस सवाल से उन स्मृतियों को नहीं पूरे रहा हूँ, मैं अच्छी ही स्मृतियों को पर बात करना चाहता हूँ, लेकिन समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे कलाकारों से बात करने पर चीजें समझ में भी आती हैं। विरोध इस बात को लेकर था, इस बात को लेकर था कि नृत्य तो करोगे, खाओगे कमाओगे क्या, इससे पैसा कैसे आएगा, करियर कैसे बनेगा, चिंता इस बात की थी या चिंता समाज के उस डर की थी? जो कई बार हम तो तैयार हो जाते हैं कि हमारा बच्चा डांस करता है करेगा, लेकिन वो पड़ोसी और पड़ोसी के पड़ोसी और फिर पड़ोसी के पड़ोसी के पड़ोसी और फिर गांव से जुड़े लोग, क्या ज्यादा अहम था ये कि इसमें करियर कैसे बनेगा या ये कि ये पड़ोस वाले क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतने बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, लेकिन संपन्न है, ऐसा भी नहीं है कि नहीं है। तो उन्हें इस बात की कभी फिक्र नहीं थी कि कमाएगा खाएगा क्या, कि भूख खेती बाड़ी तो है घर में, या एक बहुत बड़ा घर भी है और कुछ ना कुछ करके इंसान कमा खा लेता है। यहाँ आता है समाज, एक वो कहावत है ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और आप अपने आप में वो लबादा उसको पूरा ओढ़ के समाज का रखना पड़ता है, जहां तक कि समाज को दखल देना नहीं चाहिए किसी के व्यक्तित्व में, किसी के परिवार में, किसी के उसमें। यहाँ तक मुझे लगता है कि ये समाज का ज्यादा था कि लोग क्या कहेंगे कि ये नाचता है, ये शब्द ही बहुत अजीब सा था। और इसमें सिर्फ मैं उनका माता पिता का कसूर पूरी तरह से नहीं कहता हूँ, इसका कारण क्या होता है, आपकी परवरिश। तो जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, वहां पुरुषों का नाचना, स्त्री वेश में उस जगह की चीजें, ऐसा कुछ जगह है जिनको देखकर वो पले बड़े, या मेरे दादाजी एक ऐसे परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से, जहाँ आपको आपको मंदिरों में आपको सेवा वगैरह जैसी रहे, तो ऐसे परिवार से आने पर उनकी परवरिश में वो था कि हम ऐसे परिवार से आते हैं और उसी को आगे बढ़ाना है, इस सोच के साथ वो लोग पले बड़े होते हैं। तो जहाँ जिस सोच के साथ पले बड़े होते हैं वो उसी रूप में ही चलती है दुर्भाग्य से। और कहते हैं हम लोग जो होते हैं, जो बच्चा होता है अपने माता पिता के जेनेटिक्स को जीता है आधे से ज्यादा, उसके अपने जेनेटिक्स का तो पता ही नहीं होता है बेचारे का। तो ये कार्य होता है कि आपको अपने स्वयं को पहचानना होता है, आपको अपने अंदर झांकना होता है, और आपको जानना होता है कि आप वो जीवन नहीं है जो आपके पिता है, या आपकी माता एक अलग जीवन है, आपके पिता एक अलग जीवन है, आपके भाई एक अलग जीवन है, और आप एक स्वतंत्र अलग जीवन है। ये पहचानने में समय लगता है। वो जेनरेशन थी, वो जो पीढ़ी थी, वो शायद नहीं पहचान पाई, पर ये जिम्मेदारी मुझ पर आती है कि मुझे खुद को पहचानना है कि मेरा मेरे जेनेटिक्स मुझे कैसे क्रिएट करने हैं। तो वो जिस तरह का भी उनका जीवन हो, उन्होंने गलत भी किया है तो वो मुझे गलत आगे नहीं बढ़ाना है ना, उसको तो मुझे अपने हिसाब से देखकर चलाना पड़ेगा। तो यहाँ उनका कसूर नहीं था, उनके समय ऐसी समझ का या सोच का ऐसा अभाव था
तो मैं कभी भी उनको इस बात को लेकर नहीं कहता हूँ कि वो लोग कहीं गलत थे। शायद वो लोग अपने जेनेटिक्स के लिए मजबूर थे उस चीज के लिए। तो इस तरह की बात जहां तक है मुझे लगती है, तो समाज शायद प्रबल ज्यादा था उस समय। बिल्कुल। और मैं तो नृत्य छोड़िए, मैं तो बका मतलब जब मैंने इलाहाबाद में लेख लिखने शुरू किए और ये हुआ कि मुझे जर्नलिज्म करना है, तो वो भी अपने आप में एक सवाल था कि इस उनको पहले मतलब 90 के दशक के आखिरी सालों की बात है, और तब भी ये था कि जर्नलिज्म करोगे तो घर कैसे चलेगा, ये मतलब और कुछ कर लो, बीकॉम किया है, एमबीए कर लो, मतलब जर्नलिज्म में क्या होगा। तो ये सही कह रहे हैं आप कि ये हमें कई बार ये जो डू एंड डोंट्स की लिस्ट होती है उसमें हमारे जो डोंट होते हैं वो हमारे घर वालों से ज्यादा डिसाइड होते हैं। तो धीरेन, जब दिल्ली आने का फैसला किया आपने, तो क्या मतलब कुछ ऐसा भी करना पड़ा कि नहीं मुझे डांस ही करना है और अब मैं जा रहा हूं, या इस फैसले को ये मान के स्वीकार कर लिया सबने घर में कि अब इसने तय कर लिया है तो इसको शुभकामनाएं देकर भेज देना चाहिए और ये जाए अपना काम करे, और इस तरह दिल्ली आना हुआ, किन परिस्थितियों में दिल्ली आना हुआ? मैं जब मुझे लगा कि मुझे दिल्ली जाना है, तो मैंने सच बोलूं तो मैंने घर छोड़ दिया था। और आना जाना रहता था घर कुछ 1 वर्ष तक। कई बार तो ऐसा भी रहा, कई 1 वर्ष तक लगभग ऐसा रहा कि रोज आगरा से दिल्ली आना, दिल्ली से आगरा जाना। तो ये स्थिति भी रही, क्योंकि उस समय आप समझते ही हैं, एक फाइनेंशियल अगर स्टेटस वो नहीं होता है तो आप रहोगे कैसे, खाओगे कैसे, कैसे करोगे। तो वो सब स्थितियां भी रही। लेकिन यहाँ एक कथा केंद्र का मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि एक छोटी सी, आज भी है वहां पर ये प्रथा, एक सब्सिडी देते हैं बच्चों को रहने के लिए। मेरे समय में शायद वो सब्सिडी 1500 रुपये हुआ करती थी। तो 1500 रुपये मेरे रहने के लिए बहुत थे। खाने का मुझे इंतजाम करना था। पहली साल तो कभी सब्सिडी बहुत लेट मिलती है, तो पहली साल तो मेरा ज्यादातर आना जाना रहा, या मैं गुरु जी के पास रहता था घर पे, तो उनके पास रुकना हुआ। लेकिन दूसरी साल में सब्सिडी प्रॉपर आने लगी, तो मेरा रहने का एक तरह से इंतजाम यहाँ हो गया था। अब खाने पीने का, और उस समय घर से किसी प्रकार की नहीं थी, बस घर से ये था मैं घर जा सकता था और वहां से आ सकता था, सिर्फ इतना ही था घर से। और हाँ, मेरी माँ का बहुत योगदान था, सुबह सुबह खाना बनाकर देना 5 बजे, या रात को खाने को देना, फिर दूसरे दोपहर का खाना बांध भी देना, चाहे कितना भी विरोध हो। मेरी माँ और मेरी बहन है उषा दीदी, उसका बहुत योगदान रहा इसमें। दूसरे वर्ष में ऐसा रहा कि मुझे क्लास मिली, तो मैंने बहुत ही जल्दी सिखाना शुरू कर दिया था। क्लास मिली जो मेरे आगरा के पास में एक जगह है, बहुत कस्बा है, एतमादपुर, वहां मैं जाकर सिखाने लगा। बिहारी जी का एक मंदिर है वहां पर, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं सिखाने लगा। तो मैं सैटरडे संडे वहां आता था और मेरा हफ्ते भर का खाने का इंतजाम उससे हो जाता था, और मैं फिर इस तरह से दिल्ली जाता था और फिर सीखने पर ध्यान दे पाता था। तो पहले शुरू के साल से ही मुझे जितना ज्यादा सीखना था उससे ज्यादा मुझे करना था, क्योंकि खुद का आप सीखोगे तो तब ना, जब आपके पेट में खाना होगा। तो वो सब भी बाकायदा मुझे अपने हिसाब से देखना था। तो वो दोनों साइमल्टेनियस चल रहा था। हालांकि उस समय मुझे लगता है जिस तरह का मुझे रियाज करना चाहिए था, उस समय शायद मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे भाग दौड़ बहुत थी। लेकिन यस, हाँ ये कहूंगा कि मैंने बाद तक उसको, लंबी जर्नी को कंटिन्यू रखा और बाद में रियाज अच्छे से किया है। ये भी एक प्रक्रिया है धीरेन्द्र जी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के समय जीवन में, शायद मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कलाकार कोई भी हो, मतलब आप किसी का भी नाम ले लें, ऐसा नहीं हुआ होगा कि उसने डे वन जब सीखना शुरू किया हो तब से लेके और एक बड़े अच्छे पायदान तक पहुंचते समय तक हमेशा रियाज एक जैसा रहा हो। कभी ना कभी कुछ ना कुछ अप डाउन हुआ ही होगा, कभी कोई किसी के घर में कोई बीमारी हुई होगी, किसी को चोट लगी होगी, किसी को आर्थिक संकट हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ प्रश्न रियाज करने के समय या उसकी ड्यूरेशन से कहीं ज्यादा उस चाहत से है कि पहला मौका जैसे ही मिला हमें रियाज करना है। तो संभवतः मेरा ऐसा मानना है कि हर कलाकार के साथ कुछ ना कुछ इस तरह का जरूर होता होगा। धीरेन जी के साथ इस बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, कल रात एक बार फिर जुड़िएगा हमसे ठीक 10 बजे और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा।